ये थे और ये डायरेक्ट चक चक लग सकता है इसके अंदर, ये डायरेक्ट चक लग जाएगा ठीक है। और आपको डायरेक्ट चक लगाना है तो ये लगा दीजिए ठीक। और यह है अटैचमेंट ठीक है, आपका कॉलेट के लिए जो मिलिंग के लिए कॉलेट जो लगता है आपका, इसके लिए है हम लगा देंगे इसको, ये लगा दिया। और ये नट दिया है हमने, ये एडिशनल हमारा ही है, ये कॉलेट का नट है देखिए ठीक है। ये सबसे पहले तो ये लगेगा, ये भी साथ में ही आएगा, इसको आप ऐसे फिट कर सकते हो राइट। बाद में यहाँ पर आप कॉलेट लगा दो मिलिंग की और ये लगा दो, ये आपका हो गया मिलिंग कम ड्रिलिंग का काम, यानी कि आप ड्रिल भी कर सकते हो और मिलिंग की भी कर सकते हो ठीक है। और साथ में गियर वाला आएगा ठीक, ये पूरा हमारा मिलिंग कम ड्रिलिंग का है, ये स्लाइड अप डाउन के लिए, यहाँ से ये पूरा सरफेस ग्राइंडिंग किया हुआ है ठीक है। अब देख सकते हो हमारी बिल्ड क्वालिटी ठीक, देखिए आगे की फर्क है, आगे से मूवमेंट होगा, दोनों साइड से मूवमेंट होगा देखिए ठीक। ये हमारा 108 mm पिलर है ठीक, एकदम बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।